नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी एक बहुत ही बड़ी मुद्दा उठा हुआ है फेजू 07 का और टीम 07 का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये फेजू 07 टीम 07 क्या है, ये हमारे एक टिकटॉक की फेमस स्टार्स बने हुए इस समय, और उन्होंने एक तमरेज अंसारी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था टिकटॉक के ऊपर, जिसके ऊपर काफी बवाल उठा था और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी और इनके तहत मुकदमा भी चलाया गया था और इनकी कोर्ट में पेशी की गई थी। कल कोर्ट का भी निर्देश आ गया और कोर्ट के निर्देश के बाद में इन सभी को, पांचों लोगों को रिहा कर दिया गया, और उन्होंने, कोर्ट ने ये सारा वीडियोस का माजरा देखने के बाद में सभी वीडियोस इनके चेक किए। काफी वीडियो फेजू के और जी टीम 07 के अच्छे भी थे, लेकिन जो वीडियो के ऊपर जो बवाल उठा था तमरेज अंसारी को लेकर, उसके ऊपर बारीकी से सारा चीज चेक की गई है, और उस चेक करने के ऊपर ये पाया गया कि जो फेजू और टीम 07 की वॉइस उसमें से किसी की भी नहीं थी, उनकी केवल और केवल एक्टिंग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दे दिया इन लोगों को कि दोबारा से भविष्य में कभी भी इस प्रकार के कंटेंट के ऊपर वो वीडियो अपलोड ना करें जिसमें पब्लिक में किसी भी प्रकार की अशांति फैले। तो देखिए दोस्तों, साफ साफ कोर्ट ने आदेश दे दिया है फेजू 07 को और टीम 07 को कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी वीडियो, किसी भी प्रकार के ऐसे कंटेंट के ऊपर वीडियो अपलोड ना करें। और अगर हम बात करते हैं इनकी टिकटॉक आईडी की, तो देखिए दोस्तों, टिकटॉक आईडी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर इनकी टिकटॉक आईडी प्राइवेट की गई है तो वो विद इन 24 आवर टू 48 आवर में रिफ्लेक्ट दोबारा से करने लग जाएगी और उनकी टिकटॉक आईडी को दोबारा से ओपन कर दिया जाएगा। और अगर इनकी टिकटॉक आईडी को रिमूव कर दिया गया है तो देखिए वो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां तक जो सुनने को आ रही है, जो लीक्स निकल के आ रही है, वो यही आ रही है कि फेजू 07 और टीम 07 की जो टिकटॉक आईडी है वो दोबारा से विद इन 24 आवर दोबारा से एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, कोर्ट का तो ये फैसला आ चुका है और कोर्ट ने बिल्कुल इनको ये मान लीजिए चेतावनी दी है, बिल्कुल सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में उनकी कंटेंट इस प्रकार के नहीं होने चाहिए जिसमें पब्लिक के अंदर किसी भी प्रकार की, ये मान लीजिए, अशांति पैदा हो और उनको इस प्रकार के दोबारा से किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो वो बहुत ही सोच समझकर अपने कंटेंट बनाए, अपने कंटेंट को चुने और वो वीडियो के ऊपर अपनी जो मेहनत करते आए हैं उस प्रकार से मेहनत करें और नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी वो इस प्रकार से, ये मान लीजिए, ऐसा कार्य ना करें जो कि उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो देखिए, कोर्ट का फैसला ये आ चुका है और टिकटॉक का भी बहुत जल्द, ये टिकटॉक की भी आईडी उनको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो दोस्तों, यही लीक्स निकल के आया था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता लग सके कि जो टिकटॉक के जो स्टार्स थे फेजू 07 और टीम 07, उनका कोर्ट का जो फैसला आ चुका है और कोर्ट का जो फैसला उनके फेवर में आया है और उनको रिहा कर दिया गया और उनकी टिकटॉक आईडी भी बहुत जल्द उसकी रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।